पाप कम करो और पुण्य ज्यादा करो। और मनी की जो गाना है काफी फेमस है, वो गाना कैसा लगा? नौरा कैसी लगी वो गाने में? बहुत अच्छा गाना था, मैं थिएटर में वाइब कर रहा था उस पर। और 5 आउट ऑफ कितने स्टार्स होगी? 4.5। इट वाज गुड, आई लव द मैसेज। अदरवाइज फर्स्ट हाफ में क्या क्या कुछ आपने देखा? फर्स्ट हाफ कैसा लगा? Yeah, the genre is comedy, so it is kind of comedy also, and yeah, that's a one time you can say. Climax kaisa laga last mein? Okay, expected tha. Expected tha. Yeah. Okay. Siddharth and Kulpreet ki chemistry kaisi lagi? Good, good. What do you want to say about Ajay Devgan? Ajay Devgan's part was good, and as I mentioned, message was good. Otherwise, one time okay, you can say. Yeah. Okay. Okay. अगर ये जो गाना है मनी की, that was good, yeah. Nora was amazing. The moves and everything was too good. Apart from that, any other song that you liked it? Yeah, the last one, the that is kind of really emotional. That is, I think, from the movie Masti. They have took it from them. Yeah, yeah, yeah. And otherwise, Siddharth ki acting ke kitne stars hoge 5 mein se? 3. Ajay Devgan 4. And full movie 5 out of 2.5. thank you. What do you want to say about Thank God? Thank God was a nice movie. I would rate it 3 out of 5. If you are looking for something which is very entertaining, too many songs, you know, more of a comedy, it's not that. It is more of a meaningful movie. Koi aisa sandesh jo aap yahan se leke gaye movie se? जस्ट बी काइंड टू एवरीबडी, जितना पुण्य कर सको करो। एंड सिद्धार्थ की एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहोगे? हिज एक्टिंग वाज ओके, आई मीन मतलब हिज एक्टिंग वाज ओके, मूवी भी वैसी थी। आई मीन यू आर नॉट लुकिंग एट समथिंग जिसमें बहुत गाना या डांस है। उनकी उनकी एक्टिंग his acting is any which way is very good. I love it. What do you want to say about the chemistry between Ajay, Rakul Preet and Siddharth? I think it is good. एंड मनी के गाना भी था उसमें, दो रीमेक गाने हैं। एक फर्स्ट वाला गाना अच्छा था, नोरा वाला गाना भी अच्छा था, जस्ट बिकॉज़ इट इज वेरी मच ट्रेंडिंग नाउ, तो उसका उसमें डांस बहुत अच्छा। हाउ मच स्टार्स वुड यू लुक टू गिव? आई वुड से 3 फॉर सिद्धार्थ एक्टिंग। फॉर हिज एक्टिंग आई वुड से 3.5। एंड व्हाट अबाउट रकुल प्रीत? वुड बी द सेम, 3.5। या लास्टली, हाउ मेनी स्टार्स वुड यू लव टू गिव टू एंटायर मूवी? 5 आउट ऑफ Out of 5, that's what I said. I would give 3.5 to the entire movie. Yeah, it's a family movie. Thank you. दोस्त, कैसी लगी आपको मूवी? बहुत अच्छी थी, मूवी के ऊपर कुछ बोलना नहीं है, कमेंट अच्छे थे उसकी, मतलब पूरी पिक्चर की जो डायरेक्शन थी वो भी अच्छी थी। कोई ऐसी चीज जो काफी अच्छी लगी हो, जो संदेश आप लेके गए? नहीं, ऐसा मतलब वही कैमियो जो रहता है ना, एक चीज का कि भगवान मुस्लिम मतलब हिंदू मुस्लिम जो रहता है और क्रिश्चियनिटी, वो जो रहता है ना कि मंदिरों में जाके तुम वो करते हो पूजा पाठ, मस्जिद में जाके तुम दरगाहों पे जाके चादर वादर चढ़ाते हो, या फिर क्रिश्चियन में कैंडल्स, वो अगर तुम गरीब के साथ करो किसी तो और अच्छा मिलेगा, ऊपर वाला और खुश होगा। रीमेक गाने थे आपको कौन सा? दोनों में से सबसे ज्यादा दिल दे दिया, वो मेरा फेवरेट सॉन्ग था पार्ट 1 में मस्ती पिक्चर का। ये इसमें जो इन लोग ने लिरिक्स चेंज करके जो गाना डाला ना, मुझे बहुत प्यारा लगा वो गाना। और सिद्धार्थ की एक्टिंग को कितने? सिद्धार्थ की एक्टिंग को तो 5 out of 5, और अजय देवगन भी 5 out of 5 ही एकदम। और सिद्धार्थ और रकुल प्रीत की केमिस्ट्री कैसी लगी? रकुल प्रीत की केमिस्ट्री इन लोग में ऐसा था कि मतलब समझ जरा बोल रहे थे ना हस्बैंड वाइफ, अगर समझ के चले एक दूसरे को तो और अच्छा रहता। लास्टली पूरी मूवी को कितने स्टार्स दोगे? लास्ट में 5 out of 4। थैंक यू। अच्छी लगी, वन टाइम वॉच मूवी है, और इसमें एक सोसाइटी को मैसेज जाता है कि आदमी को अच्छा काम करना चाहिए तो अच्छा फल मिलता है। सिद्धार्थ की एक्टिंग के बारे में क्या कह रहा है? पूरे 10 साल उनको कंप्लीट हुए। हाँ, तो उसके ऊपर अजय देवगन हावी हो जाता है। हाँ। मतलब एवरेज है उसकी एक्टिंग। तो रकुल प्रीत और उनकी केमिस्ट्री कैसी लगी? जम रही है सर। अच्छा, डायरेक्शन अच्छा है इंद्र कुमार का। कोई ऐसा संदेश आप अच्छी लगी हो मूवी? वन टाइम वॉच। और अगर आपको स्टार्स देना रहेगा अजय देवगन की एक्टिंग को, कितने स्टार्स देंगे? 5 में से 4। और सिद्धार्थ की? उसका 5 में से 3। रकुल? उसका 5 में से 2। और पूरी मूवी को? 5 में से 4। थैंक गॉड, थैंक गॉड इज अ नाइस मूवी, थैंक गॉड। एंड क्या कुछ ऐसा संदेश? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने मिली है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर सो मेनी ईयर्स, वेरी नाइस केमिस्ट्री टू सी अजय देवगन एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा, एंड दोनों ने बहुत ही अच्छी तरह से किरदार निभाया है इसमें। सिद्धार्थ मल्होत्रा इज़ अ इगोशिएटिंग रियल एस्टेट ब्रोकर,
and the god appears in front of him and he says that you have to play off a game of a life. If you win, you will be on earth. If you will not win, you will be in the hell. तो ये सब केमिस्ट्री दिखाई है. इसमें बहुत सारे इमोशनल सीन्स हैं. मुझे सबसे ज़्यादा एंड ऑफ द पार्ट बहुत अच्छा लगा कि अपना जीवन त्याग करके अपनी वाइफ और बेटी को बचाते हैं. और इन सब में वो जो गेम खेलते हैं अजय देवगन उनके साथ, तो एक एक में वो पास होते हैं और इसलिए वो उनकी मदद करता है. एंड में ये दिखाया है अजय देवगन तो उसकी लाइफ ना लेते हुए वो उसे भी बचाता है, उसकी वाइफ और डॉटर को भी बचाता है. 10 years for Siddharth, one word for his acting. He's always rock. Chemistry between Siddharth and Nakul Preet. Yeah, something new and I just like to see them. Rakul Preet ka role bhi bahut achhi tarah se unhone nibhaya hai, no doubt. Indrajit sir ka direction ke bare mein agar kuch aapko kehna, koi 5 mein se koi stars dena ho Indrajit sir ke direction ke liye, kitne stars do gaya? 5 out of 5. Unki har picture ki directions bahut alag andaaz rahe hain aur is movie mein bhi unka alag hi andaaz tha. And I guess लोगों को obviously बहुत अच्छी लगेगी. And it's not a one time watch, you can see 2 or 3 times also. Rating की बात करें, सिद्धार्थ की acting, रकुल की acting और अजय देवगन की acting, 5 out of 5 कितने स्टार दोगे? तीनों को मैं दूंगी 5 out of 5. मुझे बहुत अच्छा लगा, बाकी की opinions मुझे नहीं पता. According to me, all 3 of them are very nice. Overall 5 out of 5 कितने स्टार दोगे? Full movie का, entire movie. Entire movie 5 out of 5. मुझे बहुत अच्छी लगी, because अलग ही story मुझे. नाम भी बहुत अलग है, थैंक गॉड. द स्टोरी ऑल्सो इज़ वेरी डिफरेंट एंड इज सीखने मिला है इसमें इंसान के कर्म की जैसी करनी वैसी भरनी होता है. सो ये सब दिखाया गया है. दो रीमेक गाने हैं इसमें, आपके फेवरेट कौन सा लगा और कौन सी मूवी जो वाइब्स अच्छी आए थिएटर? हाँ, ये उस पे इसका है मस्ती मूवी का, दिल दे दिया है. मस्ती मूवी का गाना वो तो ऑलवेज ओल्ड इज गोल्ड. एंड मानिका का भी सॉन्ग अच्छा है, उसका म्यूजिक बहुत ही